मेरा नाम राम मूर्ति है और मैं फार्मर हूँ। मेरा छोटा सा फार्म है। ये देख सकते हैं आप गाय की हालत। ये जर्सी नस्ल की गाय है। इसको पिछले 20 दिन से ये लंपी स्किन जिसे पीड़ित है। इसकी हालत तो दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। और अगर हम बात करेंगे इसकी इसकी दवाई की कि हर एक टाइप की जो हम एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल वो इसको दे रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये नीचे ही जा रहे हैं, डोंग कमजोर होते जा रहे हैं। मेरी सरकार से और एनिमल हस्बेंड्री से अपील है कि प्लीज़ इस बारे में कुछ सोचा जाए और किसानों को इस बड़ी मुसीबत से निकाला जाए, क्योंकि किसानों की हालत आप पहले से जानते हैं बद से बदतर है। और आज की डेट में अगर हम सारा वो देखेंगे तो जो इसी के ऊपर डिपेंड हैं वो अपने बच्चे कैसे पालेंगे और अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। धन्यवाद। आप सर, साड़ा मुद्दा ये है कि साढ़े ग्रां च बीमारी इन्नी फैली दी है, कोई डॉक्टर इतना अटेंड करने नहीं आ रहे, ठीक है। दूआ नंबर डिस्पेंसरी साढ़े पिंडी ही है, हुन वो डिस्पेंसरी पानी किधर शिफ्ट की थी आहें लोगों कोई पता नहीं है, कोई इन्फॉर्म नहीं करा दा कुधर जाइए कुधर नहीं, साड़ी आवाज कोई नहीं सुना दा। जे कोई सुने तो प्लीज आओ, हाथ जुड़ी बेनती है। डंगर गो माता दिखो महाराज अत्याचार हो रहा है, बीमारी बड़ी ज्यादा फैली है। सर की मांग रखते हो? सर अहें ये चाहते हैं कोई कोई टीम आवे, ये बेचारी गो माता जानवर ने बेजबान ने इन्हें दिखो आई है, किसान बंदे ने इधर सारे इधर पर रोजी रोटी चलती है, नुकसान हो या बंदे ने जाना कुछ है। सर रिक्वेस्ट ये है कोई टीम आवे गौ माता की परेशानी दूर करे। आप सर, हम यही कहना चाहते हैं हमारी गांव के इधर कोई भी डॉक्टर नहीं आ रही है, कोई टीम नहीं आई सर, कोई इनका सैंपल नहीं लिया जानवरों का, और हमारे जानवरों की डेथ भी हो चुकी है, और हमारे पूरे गांव में ये बीमारी बुरी तरह से फैल चुकी है। और सर हमारे गांव में डिस्पेंसरी थी इधर, तो अब हमें ये नहीं पता हम जाएं कहां पे और कहां जाएं, और हमारे लोग इतने अवेयर भी नहीं है। जो डॉक्टरों के हमारे पास नंबर थे और उन्होंने हमें नहीं गाइड किया और नहीं फोन उठा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं सर उनके। और एक बार वो ट्रीटमेंट करने आए थे, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा सर। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई डॉक्टरों की टीम आए हमारे डंगरों का सैंपल जो भी है इधर लेके जाए,